इन्हें इधर ये बैठ जाइए सर। मैं तुम्हें पूरी जो सेव का भी मुरब्बा बेच रहे हैं ना सर, ये संभल में आप लोगों ने कार्रवाई की है, आपकी एक पूरी टीम ने, क्या पूरा मामला था और क्या मिला अभी मौके पर आपको? मैं दीपक शर्मा, सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद। मुझे मुख्यालय लखनऊ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि संभल में किसी भी स्थान पर जो है अवैध औषधि एलोपैथिक औषधियों का निर्माण और स्टॉक रखा हुआ है। उसी क्रम में मुख्यालय के द्वारा एक टीम गठित की गई जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर श्री वैभव बब्बर गाजियाबाद, श्री आशुतोष मिश्रा ड्रग इंस्पेक्टर गाजियाबाद और श्री राजेश कुमार ड्रग इंस्पेक्टर अमरोहा और श्रीमती उर्मिला वर्मा ड्रग इंस्पेक्टर मुरादाबाद, श्री उमेश भारती ड्रग इंस्पेक्टर बिजनौर, इनकी एक संयुक्त टीम बनाई गई जो हम लोगों ने मोहल्ला राम विहार कॉलोनी पे गोदाम पे छापा मारा जिसमें जो है भारी मात्रा में अवैध औषधियाँ जिसमें NDPS श्रेणी की भी औषधियाँ हैं और उनका पाउडर रॉ मटेरियल ये कैप सारी चीज़ें और सारी नकली दवाइयाँ यहाँ पर हम लोगों ने अभिग्रहित का कार्य चल रहा है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी और उक्त दोनों जो दो अभियुक्त हैं अभियुक्तों राम बाबू अभियुक्त है जो उसके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। सर कितनी संख्या में दवाई बरामद हुई है और कितनी उनकी लगभग जो है कीमत रही होगी? कीमत तो अभी कार्रवाई चल रही है, अनुमान है कि 30-35-40 लाख तक की औषधियाँ जो लगभग हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी चूंकि सीजर की कार्रवाई प्रगति पर है तो क्या सर ये क्या कुछ कंपनीज की जैसे डुप्लीकेट बना करके इनको? बिल्कुल, ये यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के इंजेक्शंस मिले हैं, रैपर मिले हैं, उसके कार्टन्स मिले हैं जो ये बना रहा था और ये नकली की श्रेणी में आती है। क्या सर जिस तरीके से 5 जिलों की टीम जैसे इस कार्रवाई में शामिल रही तो क्या सर संभल जिले की टीम भी इसमें मौजूद थी या? हाँ, इसमें पूरा मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल के हमारे दोनों इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा और श्री वैभव बब्बर ये टीम में शामिल हैं। इनकी अगुवाई में मेरे दिशा निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।